नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड एंड बीएड, सेशन कंप्यूटर इन सिविक्स रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड सिविक्स, कंप्यूटर तथा नागरिक शास्त्र में संबंध, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेशन रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड सिविक्स, कंप्यूटर तथा नागरिक शास्त्र में संबंध। स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछले वीडियो में बात की थी कि कंप्यूटर क्या है, नागरिक शास्त्र में और उसका टाइप क्या है, प्रकार क्या है। अब हम उसके अगले सेशन में बात कर रहे हैं नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए, कंप्यूटर आज सभी लोगों की पसंद है, ये हम सभी जानते हैं, चाहे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, सभी कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, चाहे स्टडी हो, चाहे सर्विस हो, सभी में इसको यूज़ किया जाता है। इसके सहयोग से शिक्षा तथा अन्य विषयों में कार्य सुगमता से हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टडी है उस स्टडी में और उन स्टडी में जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल साइंस का हो, चाहे वो आपके सोशल साइंस का हो, सभी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं इसको हेल्प करता है या इसकी सहायता से हेल्प करता है। और इसमें कार्यों की जो गुणवत्ता है बनी रहती है और विश्वसनीयता भी बनी रहती है। सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है प्योर देगा, अच्छा देगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक फेथ है, विश्वास है, वो बना रहता है। अब हम बात कर रहे हैं दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की बात कर रहे हैं दोनों में। कंप्यूटर लोगों को अत्यधिक प्रभावित करता है, ठीक है, आपने देखा होगा एक बार अगर कोई कंप्यूटर पर बैठ गया तो फिर उसका उठने को मन नहीं करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करने का काम भी ये कंप्यूटर करता है। मानव के कार्यों की जहाँ कुछ सीमाएँ होती हैं वहीं इसकी कोई सीमा नहीं होती, एक लिमिटेशंस, ठीक है, पर्सन में होती है, व्यक्ति में होती है, परंतु इस कंप्यूटर में कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप सुबह बैठ जाओ, रात तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहता है। कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में और शोधों में, ठीक है, कई काम करता है, गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक है, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे वो आपके रिसर्च हो, उसमें कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, गणनाएँ करता है। नागरिक शास्त्र की प्रयोगशालाओं तथा शोधों में इसका निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसका यूज बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी तेज़ी से तथा शुद्धता से गणना कर पाते हैं, इजी वे में अपनी स्टडी का काम कर पाते हैं इसकी हेल्प से। देखिए, जो प्राचीन काल है और वर्तमान काल है, ठीक है, कि जानकारी आसानी से निकाल कर कार्यों में गति दिलाता है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यों में क्या करता है, प्रोग्रेस, गति दिलाता है। लघु शोधों या पीएचडी इत्यादि सभी क्षेत्रों में यह सुगमता से विद्यार्थियों की सहायता करता है। ठीक है, रिसर्च के जो काम होते हैं आपके, जो चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो, लघु लेवल पर हो, चाहे वो आपके मैक्रो, ठीक है, व्यापक लेवल पर हो, सभी में कहीं ना कहीं ये आपके स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। नागरिक शास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सरकार हो, राज्य हो या नागरिक, सभी अपने कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से आसानी से कर पाते हैं। यह एक अमूल्य और विशेष तकनीकी युक्त यंत्र है जिसमें अशुद्धियों की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, प्योरिटी इसमें अधिक इन्वॉल्व होती है। अब देखिए, कंप्यूटर का शैक्षणिक कार्यों में प्रयोग जो होता है वो कैसे, यूज़ इन एजुकेशनल वर्क्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट
हम पॉइंटों में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज शिक्षा से संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित जानकारी कभी भी प्राप्त कर पाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो कंप्यूटर पे इसको प्राप्त कर पाता है। दूसरा, घर बैठकर भी पढ़ाई करके इसके द्वारा संभव है। मान लीजिए कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, जाना चाहता नहीं, तो क्या कर सकता, घर बैठकर भी वो अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। थर्ड, शिक्षा से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का भंडारण करता है, स्टोरेज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो भी डेटा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, उन सबको, तथ्य और आंकड़ों को स्टोर कर सकता है, भंडारण उसकी कर सकता है। कई पुस्तक तथा विशेष लेखों को विद्यार्थी वर्ड या पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने पास रखकर कभी भी इसका प्रयोग कर सकता है। देखिए, वर्ड की फाइल हो या पीडीएफ की फाइल, किसी भी फॉर्मेट में वो पूरी की पूरी किताब, ठीक है, या कोई आर्टिकल, लेख, बुक, इन सबको वो अपने पास स्टोर करके रख सकता है, कभी भी उसको यूज में ले सकता है, प्रयोग में ले सकता है। अगला है, स्टूडेंट या विद्यार्थी इसकी सहायता से नोट्स तैयार करते हैं और कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए टीचर ने क्लास ली और उसको नोट किया, और नोट करके उसको कंप्यूटर में ऐड किया, और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, एग्ज़ाम के टाइम पर उसको देख लिया, रिविज़न कर लिया, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प करता है ये। इसके बाद में शिक्षकों के शिक्षण कार्यों में भी यह पीपीटी इत्यादि बनाने में मदद करता है। टीचर जब पढ़ाता है उसकी पीपीटी बनाकर स्टूडेंट को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकता है, ये हेल्पफुल है, यूजफुल है, इससे क्रमबद्ध तरीके से वह विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाता है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टर अधिक उनकी मदद करता है। यह वीडियो कॉल, ईमेल तथा सोशल नेटवर्किंग कार्यों में भी रहकर सेमिनार, संगोष्ठियों इत्यादि से ज्ञान प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि टाइमली अलग अलग टाइम पे सेमिनार होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को उसमें हेल्प मिलती है, उनको नॉलेज दिया जाता है। इसके अलावा इसकी सहायता से कंप्यूटर लैब, सामाजिक लैब तथा प्राकृतिक लैबों इत्यादि में कार्य आसानी से विद्यार्थी कर पाते हैं। अलग अलग टाइप की जो लैब्स हैं उन लैब में, चाहे वो कंप्यूटर की हो, सोशल साइंस की लैब हो, नेचुरल लैब हो, उन सभी में स्टूडेंट जो है अपना वर्क आसानी से कर पाता है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का यूज बहुत है, ठीक है, तो जो एजुकेशनल वर्क है उसमें इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो नागरिक शास्त्र हैं उसमें जितनी जो भी लैब हैं, ठीक है, और जो आपके चैप्टर्स हैं उनके जो स्टूडेंट हैं नागरिक शास्त्र के, सिविक्स के, और स्टूडेंट के अलावा जो टीचर हैं वो सभी इसकी हेल्प से अपने जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको टाइमली अचीव कर पाते हैं। तो आज हमने बात करी कंप्यूटर और इसका जो शैक्षणिक कार्य हैं, ठीक है, एजुकेशनल जो वर्क हैं इन सिविक्स, नागरिक शास्त्र में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप अगले वीडियो में देखिए। ये जो डिजिटल 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के वर्जन से तैयार किया गया है, और हमारे जो वीडियो हैं आप यूं ही आगे से आगे देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।